हॉस्टल जानते हो ना, कभी ना कभी तो हुआ होगा रास्ता, पहचानते हो ना, कभी खुद या कभी कोई आपके अपने या कोई दोस्त रहे होंगे। ध्यान से खोजोगे तो मेरी हॉस्टल की कहानी से आप भी कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। हॉस्टल में रहने का एक अलग ही एहसास है, हॉस्टल में रहने का एक अलग ही एहसास है, घर से दूर घर जैसी, हॉस्टल में रहने की एक अलग ही प्यास है, घर से दूर घर जैसा एक गजब सा एहसास है। हमने हॉस्टल में रहकर बहुत से किस्से कमाए हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के 10 साल घर और 12 साल हॉस्टल में बिताए हैं। बचपन में जब मन डरता है घर से दूर जाने को करता है सो बहाने घर पर आने को, क्या बताएं उस समय माँ का कितना इंतजार होता था और मिलने पर हम दोनों के बीच आंसू का कारोबार होता था। पर वक्त बदलता है, बदलते हैं हालात भी। जिस हॉस्टल में रहकर हम घर को याद करते थे, कभी घर होकर आती है उसकी याद भी। उस उम्र में हॉस्टल ने सचमुच मुझको बहुत कुछ सिखा दिया। छोटी उम्र में स्वावलंबन का बड़ा पाठ पढ़ा दिया, क्योंकि हॉस्टल में कांड ही कुछ ऐसे होते थे। हर दिन नया रूल तो उसको तोड़ने के नए तरीके होते थे। जिंदगी में हरदम कायदे कानूनों पर चलने में कहां मजा है। कुछ तो तोड़कर देखा जाए जिसमें न मिलनी सजा है। किसी ने ठीक कहा है कि जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग फितूर है और हॉस्टल की कमाई हुई दोस्ती का एक अलग ही सुरूर है। हॉस्टल में तो दोस्त ही माँ बाप होते हैं और हंसते हैं हमारी खुशियों में और हमारे साथ रोते हैं, पर दोस्त जितने अच्छे होते हैं उतने ही हरामी भी होते हैं। पर कुछ भी कहो सारे के सारे बहुत कारनामे होते हैं। और दोस्त, ये जरूरी तो नहीं कि भविष्य आपका किताबों में ही हो और हर नई चीज करके देखा जाए है तुम्हारे ख्वाबों में जो। कभी शायर, कभी गायक, कभी खिलाड़ी का मिजाज, और हॉस्टल के एक कमरे में सिखाया हमें कई कलाकारों के अंदाज, और वह आशिक मिजाज भी तो यहीं पर पनपता है और दिल टूटने पर पहला जाम भी तो यहीं पर छलकता है। लेते हैं सिगरेट का पहला कश भी यहीं पर और उसके बाद शायद ही कोई नशा हो जो चढ़ा नहीं हमारे साथ। खाने में मेस का खाना बड़ा नागवार होता है, जो भी कोई हॉस्टल में रहा हुआ जानता है, पर उसी के कारण माँ के खाने से हमें डबल प्यार होता है। और नेस्ले ने तो हमारी जिंदगी को बचाया है, क्योंकि हॉस्टल में आधा समय मैगी ही तो खाया है। मैगी, ओल्ड मॉम, समोसे और चाय सुट्टे का कोई तोड़ नहीं है और इनके बिना हॉस्टल का हॉस्टल होने का कोई जोर नहीं है। कितनी ही यादें हैं जुड़ी, जब भी कहने लगा हूँ हरदम वक्त की ही कमी है पड़ी। धीरे धीरे हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, हॉस्टल छूटता है पर उसकी यादों को भुला नहीं पाता है। समय तो देखिए जो पिंजरा लगता है उसी से प्यार हो जाता है। और हॉस्टल ही लोगों का घर बार हो जाता है। जितना मैं सीखा हूँ वहाँ रहकर शायद ही कहीं सीख मिले। आप भी गुजारिए कुछ दिन हॉस्टल में, आपको भी कोई हेल्प मिले। धन्यवाद।